अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अदील अब्बासी फ्रॉम अदील फिट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से आपके घर वालों को ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। तो आज काफ़ी मसरूफियत के बाद हमें टाइम मिला। हम जॉब कोलीग्स जा रहे हैं, सब जगह सब ने एक जगह प्लान किया है कि नूरी वाटरफॉल चलते हैं। मैं बजाते खुद उस जगह पर नहीं गया, तो नेट पर सर्च किया मैंने, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। तो जगह वैसे बहुत प्यारी जगह है। तो ये लोरे वाली साइड पे आती है। लोरे से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र है, सॉरी 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। तो चलते हैं, तो सुना है बहुत ज़बरदस्त जगह है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलते हैं नूरी वाटरफॉल, लेट्स गो। मेरे व्यूअर्स, सो मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे साथ हैं नफीस भाई और हैं नकाश भाई और प्यारे से दोस्त तोकीर भाई और मैं हूँ चौथा बंदा। तो सफ़र के लिए तैयार हो गए, निकल चुके। नकाश भाई ने अपनी गाड़ी चूज़ की कि मैं लेके जाऊँगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू। और सीरियसली मैं सिंसियर होकर कह रहा हूँ कि मैंने ये जगह ऐसी पहली बार ही देख रहा हूँ। आगे मैंने ये जगह कभी नहीं देखी। मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ हूँ इस जगह से। मुझे इसकी सराउंडिंग्स बहुत मज़े की लगी। और ये हैं जी तोकीर भाई, पीछे मेरे साथ बैठे हुए हैं। और ये हैं नफीस भाई, जो अभी बिल्कुल सो रहे हैं, अभी जगाते हैं इन्हें थोड़ा। और ये हैं नकाश भाई जो ड्राइव कर रहे हैं। नफीस भाई ज़रा इधर तो मुड़ें, मेरे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। यस, इधर हाथ हिला दें। थैंक यू नफीस भाई। नकाश भाई भी आपको हेलो कर रहे हैं, नकाश भाई की तरफ से भी हेलो। और तोकीर साहब कह रहे हैं आपको कि वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। तो बहुत ही प्यारी सी जगह पे हम जा रहे हैं और इन्जॉय भी करेंगे। ये इधर मैं आपको बताता चलूँ, ये क्रश निकलती है इधर से। ये नफीस भी और नकाश भी मुझे बता रही थी कि पता नहीं राजा खलील के पता नहीं कोई इस तरह का है कि उसकी क्रश, पता नहीं उसका ये कारखाना है कि पता नहीं कुछ ऐसा। मुझे कुछ समझ इतना खास नहीं आया। आप देखें, मुझे तो लुक ऐसी लग रही है जैसे कि यहाँ से कोई कोयला निकल रहा हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह, इसकी सराउंडिंग्स आपको। ये हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आता है। इसकी सराउंडिंग्स बहुत मज़े की हैं। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, थोड़ा फ्रूट लेना था और चीज़ें हमने ले ली थी, थोड़ा फ्रूट की शॉपिंग करनी थी, यहाँ से थोड़ा फ्रूट लिया हमने। ये अभी हम लोरा बाज़ार में खड़े हैं। ये हम बिल्कुल हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ गामजान हो गए हैं। तो अब चलते हैं नूरी वाटरफॉल। पहले से ही चल रहे हैं यार नूरी वाटरफॉल, हाँ तो पहले से ही चल रहे हैं। तो नूरी वाटरफॉल की तरफ हम रवाना हो चुके हैं एक बार फिर थोड़े से स्टे के बाद। और ये चेक करें आप थोड़ा सा और व्यू, बहुत ही मज़े शानदार, मतलब सराउंडिंग्स ज़्यादा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी क्योंकि सराउंडिंग्स मैंने बहुत ही ज़्यादा कैप्चर की हैं। उधर पहुंचने तक काफ़ी वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइस, ये वाटरफॉल के लिए हम निकल चुके थे। तो बड़ी प्यारी जगह लगी है रास्ते में हमें, तो हमने स्टे किया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की और उसके बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ गामजान हो चुके हैं। गामजान क्या हुए कि रास्ते में हम रास्ता ही भूल गए जाते हुए, और हमारे प्यारे से भाई नकाश भाई को ड्राइवर हजरात से पूछते हुए शर्म आ रही है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ये इनका कहना है कि मैंने नहीं पूछना भाई, खुद पूछो। जहाँ मतलब खुद पूछे हैं, नफीस भी से कह रहे हैं कि मैं नहीं पूछ सकता रास्ता, तो भाई शर्म महसूस कर रहे हैं थोड़ा। तो रास्ता हम भूल चुके थे। तो फिर उसके बाद फिर हम ये यहाँ से, मैं आपको किसी से पूछा रास्ता और एक उनसे पूछा कि जो खुद ही इस शहर में नए आए हुए थे, जो खुद ही नूरी अबशार जाना चाहते थे। तो फाइनली हमें रास्ता मिल गया। तो ख़तरनाक
इंतहा की आखिर किस्म की डेंजरस रोड पे हम रवाना हो चुके थे नूरी आबशार पे। तो आपको एक छोटा सा इसका एक इंट्रो देता चलूँ कि नूरी आबशार बेसिकली है क्या। ये नूरी आबशार सूबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरिपुर के एक गांव तयाल में वाक़िया है। ये इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 85 किलोमीटर 53 मील दूर वाक़िया है। आबशार की ऊंचाई तकरीबन 10 फीट है। आबशार एक खुले कौफ में वाक़िया है, जैसे एक पहाड़ के किनारे पर तश्कील दी गई हो, मतलब आप समझ सकते हैं। ऊंचाई में छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। तो इसमें एक साफ नीला पानी, हमें तो नीला पानी यार नज़र नहीं आया, हम तो बस वीडियो से इंस्पायर होके गए हैं कि वाकई नीला पानी है। यार प्लीज़ फिल्टर्स को ऑफ कर दो यार, क्यों यार हमें कहा कि नीला पानी है। चलें कुछ नहीं, कुछ कह सकते हैं कि कुछ नीला पानी नज़र आया है, चलें मान लेते हैं। इसकी थोड़ी मैं आपको बताता हूँ, 2020 के मौसम गर्मा में इसकी एक YouTube वीडियो वायरल होने के बाद आबशार ने मकबूलियत हासिल कर ली। आबशार ने एक 18 साल लड़के की जान ले ली जब वो आबशार में गोते लगा रहा था। आबशार के गहरे हिस्से में फंस गया। मकामी लोगों ने कारोबार की हौसला अफजाई के लिए सयाहों के लिए पार्किंग भी बनाई और हमसे भी पार्किंग के पैसे लिए। क्यों लिए, कैसे लिए गलत हो गया ना भाई, हम मरी के हो के यार हमसे भी बटोरे उन्हें। चलो कोई नहीं, हमें ये धमकी भी दी गई कि हम अगर आप पेमेंट नहीं देते तो उसका जो है आपको गाड़ी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने फिर कहा कि चलो जी कोई नहीं है, क्या पता होता है, यही कुछ कर दें, चलें कोई नहीं। बात की। तो उसके बाद इधर लाइफ जैकेट्स भी रखी हुई हैं जो तकरीबन 50 रुपये के लिए दस्तयाब हैं, मतलब रेंट पे दस्तयाब हैं। तो आबशार तकरीबन ये वहाँ से जो रोड जहाँ हम गाड़ी लगाते हैं पार्क करते हैं वहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट के मुसाफत पर वाक़ है और आपको दो बड़े बड़े दरिया क्रॉस करके जाने पड़ेंगे जो आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने भी क्रॉस किए हैं तो इतने बड़े नहीं हैं, मगर ये है कि आपको जब शूज़ उतारते हैं या कुछ चप्पली वगैरह या कुछ वो उतार के जब जाते हैं ना तो बड़ी चुभन होती है, बड़ा नीचे से पत्थर बहुत लगते हैं। तो जो है ना इधर आबशार वैसे नहीं मशहूर हुआ, ये मशहूर हुआ, इसका मशहूरी सिलसिला आपको पता है कहाँ से हुआ। ये जो है बच्चा इधर बच्चों की जाने गई तो तब नूरी आबशार पर 3 बच्चे इस वक्त दम तोड़ गए जब इन्होंने अपने दोस्तों को पत्थर से टकराने के बाद डूबने से बचाने की कोशिश की, गहरे सराय में छलांग लगा दी। सो व्यूअर्स हम पहुंच गए थे, हमने गाड़ी उधर पार्क कर दी थी, पार्क करने पे वो आपको एक चिट देगा जो आपने वापस आके उसे देनी है और उसके बाद आपने गाड़ी को चेक करके पेमेंट देनी है और एक तरह से बेहतर है क्योंकि आपकी गाड़ी सेफ रहती है। तो हम एक दरिया क्रॉस करके आ चुके थे और आगे कहना था कि लोगों का कि दूसरा दरिया भी है, दो दरिया आपको क्रॉस करके जाने पड़ेंगे। तो हमने खाना घर से ही बना लिया था क्योंकि सफ़र लंबा जब हो तो आपसे आपको रिकमेंडेशन है, मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि खाना जो है आप उधर नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास फिर इंजॉइंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। और ये हैं तुकीर साहब और आगे निकाश साहब हैं और नफीस साहब हैं और काफ़ी लोग हमारे पीछे भी आ रहे हैं, हमारे से आगे भी जा चुके हैं और अभी रास्ते में भी हैं बहुत सारे लोग। और ये हमने थोड़ा खाने का इधर स्टे किया कि निकाश भी का कहना था और बाकी भी साथियों का कहना था कि खाना थोड़ा पहले खा लेते हैं। तो फिर हमने खाना इधर खाया, थोड़ा साइड पे बैठ के एक जगह मिली, जगह तो नहीं मिल रही थी, और हमने दरिया के किनारे भी बैठ के खाया, आप देख सकते हैं। बस थोड़ी खाना शाना खा के हम वापस निकले। उसके बाद अगर आप मरकज़ से चिपे रहेंगे, मतलब कि आप पत्थर से जब हम जैसे हम चिपके रहे, मतलब हम भी डूबे हैं यार, कोई 4-5 बार डूबे हैं, तो असल आबशार के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं करते तो डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, आप सेफ़ हैं।
अब शहर से 10 मीटर के फासले पर पोल सिर्फ 5 फीट गहरा है, हमें सिर्फ 5 फीट गहरा लगा है और हम उसमें भी डूब रहे थे यार। तो आपको इसका एड्रेस मैं बताता चलूँ, ये इस्लामाबाद से लाहौर, कितने दोस्तों को सवाल जहन में गूंज रहा होगा कि इसका सफ़र जो है, असल अक्सर वीडियो में नहीं बताते एक्चुअल में, आपको एक्चुअल सबके जहन में एक सवाल होगा, इस्लामाबाद से कितना दूर है भाई लाहौर से, कराची से तो मुझे नहीं लगता लोग आने से रहे, तो कितना दूर है मैं आपको बताता हूँ। नूरी अबशार ये तकरीबन इस्लामाबाद से 55 किलोमीटर दूर है, तकरीबन ढाई से नहीं सॉरी तकरीबन तीन घंटे लग जाते हैं तकरीबन। और जो लाहौर मोटरवे आप आते हैं लाहौर से अबशार की तरफ तो 430 किलोमीटर या तकरीबन 6 घंटे, और लाहौर से जीटी रोड पे आते हैं तो 360 किलोमीटर और 7.5 घंटे आपको लग सकते हैं। मारगला की पहाड़ियों के दूसरी तरफ वाक़ है, बहुत ही ज़बरदस्त अबशार है यार, फिल्टर वाली वीडियो ना लगाओ तो मज़े की चीज़ है, चीज़ में मज़े की है यार वैसे भी। तो हमने बड़ा ही इंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा, आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप भी ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ आएँ, मगर एक बात है फैमिली के साथ अगर आएंगे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आबशार में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उधर बहुत रश होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्लॉग लेके, फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो अल्लाह हाफिज़।